तो हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन किए थे चैप्टर वन के पार्ट वन में। अब हम चैप्टर वन का पार्ट टू लेकर के आ गए हैं और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का और रिवीजन करेंगे। और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिव एनी टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमें मैनेजमेंट के दो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कोई बतलाने हैं। तो मेनली तीन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। लेकिन हमें यहाँ पर दो बताना है। तो फर्स्ट है सर्वाइवल, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। जब ऑर्गेनाइजेशन इनफ रेवेन्यू अर्न करता है अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए। इट मींस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब मार्केट में आता है तो सबसे पहले वो यही कोशिश करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव करे। सर्वाइव का मतलब है कि वो इतना तो अर्न करे कि जितना लागत लगाया गया है वो कवर हो जाए, वो पैसा उसका आ जाए। जैसे मान लेता हूँ कि कोई एक दुकानदार है, उसने मार्केट में दुकान खोली और दुकान का रेंट है 5,000 रुपये। तो यदि 5,000 रुपये पर मंथ नहीं आता है तो फिर वो दुकान ज़्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहा है। देन उसके बाद प्रॉफिट, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स इनफ रेवेन्यू। जब ऑर्गेनाइजेशन कुछ इनकम अर्न कर लेता है, पर्याप्त मात्रा में अपनी इनकम अर्न कर लेता है टू कवर कॉस्ट, कि उससे उसकी कॉस्ट भी कवर हो जाए एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, और जो बिजनेस का मेन रिस्क होता है वो भी कवर होने लगे। इट इज़ द इंसेंटिव और रिवॉर्ड फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस। प्रॉफिट जो होता है किसी भी बिजनेस को चलाने का मेन इंसेंटिव या रिवॉर्ड होता है। इंसेंटिव या रिवॉर्ड, इट मीन्स पहले ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा, कुछ दिन मार्केट में टिक जाए, जब वो 5,000 रुपये का रेवेन्यू अर्न करने लगा जिससे कि उसका किराया निकल जाए, तो अब ये दुकानदार ज़रूर चाहेगा कि कुछ और कमाया जाए जिससे कि प्रॉफिट आना चालू हो। अब धीरे धीरे बिजनेस एक्सपेंड ही होगा, यदि मार्केट में सर्वाइव कर गया तो 7,000, 8,000, 9,000 कमाएगा, तो 5,000 रुपये उसका कॉस्ट कवर हो गया और 2,000, 3,000 रुपये उसका प्रॉफिट अर्न होने लगा। देन उसके बाद थर्ड होता है ग्रोथ, जो कि यहाँ पर हमें दो ही बताया गया था, तो हमने दो ही पढ़ा था, लेकिन मेनली तीन होते हैं। थर्ड होता है ग्रोथ। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनफ रेवेन्यू अर्न कर लेता है तो मेनली क्या करना चाहता है, अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहता है या डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने बिजनेस को। इट मीन्स नई ब्रांचेस खोलना चाहता है, ठीक है, तो जिससे कि वो क्या करे, इन फ्यूचर और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। तो कोई भी बिजनेस मार्केट में आता है तो फर्स्टली सर्वाइव करने के लिए सोचता है, देन प्रॉफिट अर्न करता है और देन उसके बाद ग्रोथ के लिए जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट मैनेजमेंट हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। क्या आप ये समझते हैं कि मैनेजमेंट को फुल फ्लेज प्रोफेशन कहा जा सकता है, इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं प्रोफेशन के या नहीं है। तो पहले हम समझते हैं प्रोफेशन किसे कहते हैं। देखो, प्रोफेशन मींस ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड अ प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन विच इज एक्वायर्ड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशन मींस ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, एंड अ प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, किसी भी एक एजुकेशन की हमें प्रैक्टिस भी नेसेसरी होती है, उसमें डिग्री नेसेसरी होती है, विच इज़ एक्वायर्ड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी। और ये एक प्रोफेशनल बॉडी इसको रेगुलेट करती है, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो मेन फीचर्स क्या हैं प्रोफेशन के, द फर्स्ट थिंग, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अ प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एक प्रोफेशन जो होता है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड होता है। इट मीन्स यहाँ पर
थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा दिया जाता है. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, एंट्री इनटू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री एज इन मेडिकल लॉ प्रोफेशन ईटीसी. तो किसी भी प्रोफेशन में एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है. विदाउट एग्जामिनेशन और विदाउट डिग्री यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू एनी ऑफ द प्रोफेशन. एज इन मेडिकल, आप मेडिकल में बिना बी फार्मा डी फार्मा किए नहीं एंटर कर सकते हैं, या कोई भी आपको डॉक्टरेट की डिग्री करनी पड़ेगी. लॉ प्रोफेशन में आपको एडवोकेट की डिग्री लेनी पड़ेगी, बैरिस्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी, लॉयर आपके पास डिग्री होनी चाहिए. बिना इन डिग्रियों के आप इन प्रोफेशंस को नहीं कर सकते हैं. ऐसे ही डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे ही टीचर्स होते हैं. देन है प्रोफेशनल एसोसिएशंस. ऑल प्रोफेशनल्स आर बाउंड टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड एनफोर्सेस अ कोड ऑफ कंडक्ट. सभी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, सभी प्रोफेशनल एसोसिएशन से बाउंड होते हैं. प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या हैं? प्रोफेशनल एसोसिएशन एक बॉडी होती है जो कि इनकी एंट्री को रेगुलेट करती है, इन्हें सर्टिफिकेट ग्रांट करती है और इनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती है. इट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करती है जिसके अंदर इन्हें अपने प्रोफेशन को चलाना है. एग्जांपल, ऑल लॉयर्स हैव टू बी मेंबर ऑफ बार काउंसिल. जैसे कि जितने भी लॉयर्स होते हैं, जितने भी वकील होते हैं, उन सभी को बार काउंसिल का मेंबर होना पड़ता है. देन कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने भी बताया था कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है ये एसोसिएशंस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है. तो ऑल प्रोफेशनल्स आर सब्जेक्ट टू एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एज लेड डाउन बाय द एसोसिएशन. मतलब सभी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, कुछ इनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और इन सभी एसोसिएशंस को इन कोड ऑफ कंडक्ट को मानना होता है. सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ ईच प्रोफेशनल इज टू रेंडर कमिटेड सर्विस टू द सोसाइटी. हर एक प्रोफेशनल का मेन मोटिव जो होता है वो सर्विस देने का होता है, और अपने सोसाइटी के अंदर वो मेनली क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है. तो देखो, हमने देखा कि प्रोफेशन किसे कहते हैं. तो प्रोफेशन के अंदर हमने सबसे पहली चीज़ समझी कि प्रोफेशन के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, इट मीन्स थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी प्रेजेंट होनी चाहिए. एकदम सही बात है, थ्योरेटिकल नॉलेज की प्रेजेंस होनी चाहिए. देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, देन उसके बाद इट मींस हमारे पास डिग्री होनी चाहिए तभी हम प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं. देन हमने देखा यहाँ पर प्रोफेशनल एसोसिएशंस की प्रेजेंस होती है. प्रोफेशनल एसोसिएशंस जिसके अंदर हर एक प्रोफेशनल्स को रजिस्टर्ड होना पड़ता है. जैसे लॉयर के लिए हमने देखा बार काउंसिल है, ऐसे ही मेडिकल के लिए मेडिकल काउंसिल है. देन उसके बाद हमने कोड ऑफ कंडक्ट देखा, इट मींस इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके अंदर इन्हें अपने प्रोफेशन को चलाना होता है, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है. और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन ही तैयार करते हैं. सर्विस मोटिव, इनका मेन मोटिव होता है सर्विस देना, अपने सोसाइटी को सर्विस रेंडर करना. डॉक्टर है तो वो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, और टीचर है तो वो एडुकेशन प्रोवाइड करे, एंड लॉयर है तो वो वकालत प्रोवाइड करे. तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, हमें इसे देखना पड़ेगा. देखो, लाइक प्रोफेशन मैनेजमेंट हैज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हैज़ इट्स ऑन प्रिंसिपल विच आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. देखो, प्रोफेशन की तरह ही मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज है. हम सभी जानते हैं, हम लोग भी MBA, BBA और अभी हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो हम थ्योरेटिकल नॉलेज से ही गुजर रहे हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज को ही अर्न कर रहे हैं. देन इसका मतलब जो यहाँ पे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये तो हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी प्रेजेंट है. सेकेंड है, इन मैनेजमेंट
नो सच रेस्ट्रिक्शंस इज देयर फॉर मैनेजर्स टू क्लियर एन एग्जामिनेशन और होल्ड अ डिग्री। हमारे मैनेजमेंट के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है या कोई डिग्री होल्ड करनी है। हम बाय द वे ऑफ प्रैक्टिस, बाय द वे ऑफ एक्सपीरियंस भी हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट की पोस्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो अभी कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, तो अभी ऐसा कोई भी चीज़ मतलब कि प्रेजेंट ये वाला जो फीचर है प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। देखो, हाउएवर दिस डेज मोर एंड मोर पीपल आर अपॉइंटेड फॉर मैनेजर पोस्ट हु पोजेस मैनेजमेंट डिग्रीज। आजकल कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही अपॉइंट किए जाते हैं जो कोई मैनेजमेंट की डिग्री मतलब अपने पास रखते, जैसे MBA, BBA समथिंग उनके पास होता है, लेकिन अभी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट, इन मैनेजमेंट नो सच रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉर्म्ड टू गाइड आ मैनेजर्स थ्रू अ कोड ऑफ कंडक्ट। भाई मैनेजमेंट में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म नहीं है जिसे हमें फॉलो ही फॉलो करना है। तो कोड ऑफ कंडक्ट का भी जो फीचर है प्रोफेशन का, वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है फिलहाल। देन फोर्थ है, मेंबरशिप टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक AIMA इज नॉट मैंडेटरी फॉर मैनेजर्स। जैसे प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल एसोसिएशंस की प्रेजेंस होती है, जैसे लॉयर के लिए बार काउंसिल है, मेडिकल वालों के लिए मेडिकल काउंसिल है, उनमें उनको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उनका मेंबर होना पड़ता है। ऐसा मैनेजमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल, कोई ज़रूरी नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर प्रोफेशनल एसोसिएशंस है नहीं, बहुत सारे मैनेजमेंट एसोसिएशंस है नहीं, बहुत सारे मैनेजमेंट एसोसिएशंस अब हैं, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जैसे AIMA, लेकिन अभी हमें ज़रूरी नहीं है कि उसका हमें मेंबरशिप लेना ही लेना है। तो ये वाला फीचर भी अभी हमारा मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। देन है, ऑल मैनेजर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सभी मैनेजर्स डायरेक्टली कहो चाहे इनडायरेक्टली कहो, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। हम लोग भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, हम लोग भी क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा मेन मोटिव सर्विस नहीं होता है। हमारा मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करने का होता है, सेकेंडली सर्विस मोटिव होता है, लेकिन जो मेन मोटिव है वो है प्रॉफिट अर्न करने का। तो ये भी अभी पूरी तरीके से हमारे मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो देखो, बाद में निष्कर्ष हमें ज़रूर लिखना होता है, कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द एबो स्टडी, जो हमने ऊपर पढ़ाई करी पूरा हमने पढ़ा। इट कैन बी सेड दैट इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, हम इसे कह सकते हैं कि पूरा फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, बट ओनली अ डेवलपिंग प्रोफेशन। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम प्रोफेशन की ओर बढ़ जरूर रहे हैं। यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी हम इसको फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं। हाँ, डेवलपिंग प्रोफेशन कह सकते हैं, मैनेजमेंट को फुल फ्लेज नहीं कह सकते हैं। धन्यवाद, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।